नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। आज के शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट के पीछे तीन बड़े कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, वो तीन बड़े कारण जिनकी वजह से घरेलू शेयर बाजार में आई इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। क्या है वो तीन बड़ी खबरें, जान लेते हैं दोस्तों। आज देख सकते हैं उन तीन खबरों के पीछे मार्केट यहाँ पे जबरदस्त टूटा है। 1400 अंक देख सकते हैं सेंसेक्स टूटा है, और निफ्टी भी देखे दोस्तों तो 400 अंक टूटा है। बैंक निफ्टी देखे तो उसकी हालत देखें तो 1400 अंकों लगभग बैंक निफ्टी भी आपको टूटता हुआ दिखाई दिया आज के इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं तीन बड़े कारण जिनकी वजह से मार्केट आज उथल पुथल हुआ है। देख सकते हैं क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट है। तो आसिफ इकबाल का कहना है, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि हुई है। जी हाँ दोस्तों, तेज वृद्धि होने के कारण जगह जगह लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, तो इस वजह से आर्थिक स्थिति ठप होने की उम्मीद है, और आर्थिक स्थिति ठप हो चुकी है, बड़ा असर हुआ है। उस वजह से मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई है और नाइट कर्फ्यू की घोषणा हुई है, तो मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरा दोस्तों बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण है अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी निवेशकों की चिंता बढ़ी है। दरअसल भारत में बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से आपको पता क्या होगा, बाद ब्याज बढ़ने का खतरा होगा। ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट आई है। दोस्तों इसके दूसरे बड़े कारण की बात चलते हैं दोस्तों तीसरे बड़े कारण की तरफ, वो है लोन मोरेटोरियम। लोन मोरेटोरियम दोस्तों क्या होता है आपको बता दें, लोन मोरेटोरियम को लेकर आ रही खबरों के चलते बैंकिंग शेयर में गिरावट आई है। आसिफ का कहना है कि लोन मॉरेटोरियम का पर वसूली जारी, ब्याज पर ब्याज को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला लिया है। इस ये क्या फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉरेटोरियम की सुविधा लेने वाले किसी भी लोन पर ब्याज और ब्याज नहीं वसूली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी पर 1800 से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक का बोझ पड़ेगा। आसिफ बताते कि आने वाले दिनों में इससे बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है, ऐसे में बैंकों को प्रोविजनिंग बढ़ानी होगी, लिहाजा आने वाली तिमाही में उनके मुनाफे पर असर आएगा। आपको पता है कि पहले यानी कि जो बैंक था वो ब्याज लेता, लेकिन ब्याज पर ब्याज वसूलना एक इस पर अब रोक लगा दी गई है, तो बैंक को बड़ा असर यहाँ पे आने वाली। तो उसे तीन ही बड़े कारण है जिसकी वजह से आज मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। और बड़ी गिरावट के दोस्तों बावजूद यहाँ पे एसएस मार्केट न्यूज पर दमदार आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप, और 6 महीने दोस्तों फ्री में बिल्कुल सेवाएं पा सकते हैं। दिए गए लिंक पर आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना दोस्तों स्क्रीनशॉट, और आप दोस्तों अब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों आप छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते भी दोस्तों ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बिना अकाउंट ओपन कराए भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वो आप छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करिए, मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, आपको मैं गाइडलाइंस सेंड कर दूंगा, आप वो फॉलो करते ही दोस्तों आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी आपकी गाइडलाइंस फॉलो करेगी वैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर 6 महीने फ्री पाना चाहते हैं दोस्तों आप, तो दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन करिए और मुझे दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। चलिए दोस्तों आज मैं कामकाज दिखा, इतना टूटे मार्केट में आज का कामकाज आपको मैं दिखा देता हूं। आज के दोस्तों इतने टूटे मार्केट देख सकते हैं, आपको बता दें कि मार्केट टूटा हुआ था, लेकिन 11:50 से मार्केट ने आपको पता है बाउंस भी लिया, जबरदस्त बाउंस भी लिया, निफ्टी में जोरदार बाउंस भी यहाँ पे लिया है। तो बंदर बैंक देख सकते 335 से 337.50 के टारगेट रखे, 338 के टारगेट रखे, 338 का टारगेट कंप्लीट, गजब का मुनाफा। कोटक बैंक दोस्तों यहाँ पे कोटक बैंक आपको मैं रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि कोटक बैंक उससे रिजेक्ट हो चुकी थी। SBI का दोस्तों आपको टारगेट सक्सेसफुल, और एक्सिस बैंक का भी आपको टारगेट यहाँ पे सक्सेसफुल देखने को मिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपना बैंक निफ्टी ग्रुप में दोस्तों, तो दोनों ही कॉल दमदार 11:45, क्योंकि 9 बजे से लेकर 11:45 तक मार्केट टूटा है। उसके पश्चात जबरदस्त बाउंस पे मार्केट ने लिया था, और 32,700 से 32,819 का टारगेट रखा था, टारगेट सक्सेसफुल। निफ्टी का देख सकते हैं 14,550 से 14,580 पूरे टारगेट निफ्टी के सक्सेसफुल, जबरदस्त लूटे लगी थी निफ्टी के अंदर, तो गजब का मुनाफा दोस्तों टूटे हुए मार्केट के अंदर। मार्केट को कहां से उठाना है, कितने भी उठाना, देख सकते हैं मार्केट न्यूज की टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने यहां पे मौजूद है। तो दोस्तों फ्री में ग्रुप ज्वाइन कर सकते 6 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करें तो दोस्तों आप मुझे गाइडलाइंस फॉलो करते आपको मैं ऐड कर लूंगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।